हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा कि क्या हो कि अगर हमारी जो मॉडर्न लाइफ है अचानक से स्टोन एज में चली जाए तो क्या होगा। हाँ, पर ऐसा एक एनिमी में हुआ है, वो है डॉक्टर स्टोन। अब तुम में से कितने लोगों ने डॉक्टर स्टोन नहीं देखा होगा, पर क्या पैसा नाम तुमने देखा होगा। अब जिन्होंने देखा मेरे ख्याल से वो शायद ये रिव्यू वीडियो शायद देखेगा ही नहीं, पर जिन्होंने नहीं देखा शायद पक्का शायद ये देखेगी। तो डॉक्टर स्टोन जो है साइंस को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा आगे, इस एनिमी के कारण तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो एक दिन की बात है कि अचानक से एक ग्रीन कलर की लाइट आ जाती है कहीं से, और पूरे अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स जो होते हैं वो सब अचानक से स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर 3,700 साल के बाद एक इंसान होता है जो पत्थर में से निकलता, वो होता है सेंगू इशिगामी। हमारा यही असल में मेन कैरेक्टर भी यही होगा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। ये एक साइंस का स्टूडेंट है जिसको साइंस के लिटरली बहुत ही नॉलेज पता है, और इस कैरेक्टर की सबसे खासियत बात यह है कि यह रट्टा मारने वाला साइंस का स्टूडेंट बिल्कुल ही नहीं है। और उसके बाद ये जो कैरेक्टर हमारा ये ढूंढता है कि इसने ये चीज़ें कैसे की, जिसके बाद वो अपने दोस्त को फिर उसमें से पेट्रिफिकेशन करता है, जो होगा ताइजी ओके। एंड गलती से वो सूखा सा शिशियों को भी कर देता है अपनी किसी लाइफ से बचाने के लिए। तो तुम्हें एनिमे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विलेन का रोल करने वाला है। अब हम बात करते हैं इस एनिमे के अंदर जो साइंस के जो कमाल है वो सेंकू कैसे कैसे करता है। अगर मैं इस एनिमे की मैं बात करूँ तो पहले जो सेंकू होता है वो अपनी नीड्स को पहले देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, जिसके लिए वो ये एक नॉर्मल चीज़ें जो हमें कहीं पे भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि भाला, शिकार और जो भी बना। बट सेंकू इससे आगे जाता है, वो लाइम को भी कहीं से निकाल लेता है साइंस के तरीके से, हाँ हमारा चूना। एंड धीरे धीरे करके एल्कोहल, तुम समझ सकते हो। एंड ये बहुत सी चीज़ें आगे करेगा। एंड लिस्ट तो मैंने नहीं बनाई, पर हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ नया करता रहेगा। एंड इसके बाद वो जो हो गया सूखा था, जो इस सीरीज का विलन है, उसको मारने के लिए वो असल में गन पाउडर भी बनाएगा, जो इस आने वाले इसकी जो सीरीज़ होगी जो एपिसोड में तुम्हें दिख जाएगा वो गन पाउडर कैसे बनाता है। एंड साइंस को लेकर सीरीज के अंदर मैंने एक चीज़ देखा, हर एक चीज़ में इसके हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ नया करता जो होगा सेंकू। एंड जो सेंकू जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करेगा कि वो किस तरीके से उसने धीरे धीरे चीज़ें निकाली। अगर कोई मुझसे पूछे जो मेरा जो पर्सनल फेवरेट एपिसोड है, अगर देखा जाए तो हर एक एपिसोड इसका अच्छा होता है, बट एपिसोड 9 जो मेरा इसमें फेवरेट, पहले मुझे लगा कि जो एपिसोड 9 में हुआ है वो शायद फेक भी हो सकता है, बट मैंने फिर गूगल पर वो सर्च किया था तो वो सही निकला एडिसन को लेके, क्योंकि इस सीरीज में वो स्लोली स्लोली चूना से लेके गन पाउडर के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी होना या गोल्ड होना या फिर मिनरल्स में से मेटल्स को निकालना, ये तक सेंकू को आता है। और इस एनिमे के अंदर तुम्हें और भी कैरेक्टर दिखेगा जो सेंकू के सपोर्ट में, सेंकू के जैसे एक और कैरेक्टर होगा वो होगा क्रोम, जो सेंकू की तरह वो भी साइंस में क्यूरस है, जिसके कारण वो सेंकू के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। और सेंकू इस चीज़ को खुद मानता है, कल तो अगर वो सुकासा के हाथों से अगर मारा गया तो क्रोम दूसरा होगा जो उसके कामों को अंजाम देगा। तो चलो अब मैं बात करता हूँ कि सेंकू और सुकासा विलन कैसे बन जाएगा सुकासा उसका। असल में जो सेंकू है वो अपनी मॉडर्न वर्ल्ड को वापस चाहता है जो पहले थी। अब इसमें 3,700 साल तो कुछ भी नहीं बचेगा, प्लास्टिक के भी उतनी उम्र नहीं होती होगी, अब जिसके कारण सेंकू धीरे धीरे सारी चीज़ों को वापस ला रहा है। बट सबसे बेस्ट तरीका सारी चीज़ों को वापस लाना वो है सबको पेट्रिफिकेशन करना, उस प्रोसेस को आगे लाना। बट जो सुकासा है वो उसको ये करने से रोक रहा है। इसका एक कारण है कि सुकासा के दिमाग में प्लान है कि उनको जब पता है कि किस तरीके से पेट्रिफिकेशन होता है तो सुकासा उन्हीं लोगों को सिर्फ निकालना चाहता है जो उसके काम के है या जो उससे कमज़ोर है, जिससे वो अपना खुद का एक किंगडम बना के आराम से रह सके। अगर पूरे वर्ल्ड के लोग अगर अच्छे से आ गए तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और इस लड़ाई के अंदर सेंकू उसकी बनती नहीं है,
जिसके कारण वो ये सोच लेता है कि वो किसी तरीके से पेटिफिकेशन का वो फॉर्मूला ले लेता है और सेंकू को मारने की कोशिश करे, जिसमें सेंकू को मार भी देता है। एंड यहाँ पर सेंकू जो होता है उसको ये पहले से पता था, तो उसकी तैयारी भी करके रखता है। और यहाँ से जो सेंकू होगा वो उससे अलग हो जाए एंड वो मारने के लिए वो इतनी मेहनत करेगा, वो गन पाउडर से लेकर हर एक चीज़ बनाएगा जिससे वो सुकासा को रोक पाए। एंड यही जो सीरीज़ का जो होगा मेन मोटिव होगा कि वो सिर्फ सुकासा को रोके, क्योंकि सेंकू को जो है पेटिफिकेशन का फॉर्मूला अच्छे से पता है। अब मैं इसके अंदर आगे ले जाऊँ तो जो सेंकू सुकासा यहाँ पे स्मार्ट वैसे स्ट्रेंथ की जो फाइट हो नहीं रही है, क्योंकि सुकासा भी असल में स्मार्ट है और सेंकू भी। फ़र्क इतना है कि सेंकू जो है साइंस में बेस्ट है और सुकासा फाइटिंग के अंदर, जिसके कारण जो सेंकू है वो अपने लिए मेटल्स और आर्मर बनाने का सोचा जिससे वो फाइट करेगा। एंड उसकी मदद के लिए वो इशिगामी विलेज में जाके मदद मांगेगा। इशिगामी विलेज, अगर मैं बता दूँ कि सेंकू का जो सरनेम है वो भी इशिगामी और विलेजर्स का जो गांव है उसका भी नाम इशिगामी है, तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जो मैं बताऊँगा नहीं। बट ये वो इंसान है जो पत्थर में से बिल्कुल ही नहीं निकले, हाँ बल्कि वो जो सेंकू वो पत्थर में से निकला हो, बट ये जो है पत्थर वाले इंसान तो नहीं है, इनके तुम चेहरे को भी देख के पहचान जाओगे। और अभी जो है इसका सीज़न 2 भी आने वाला है जल्द, आई थिंक 2021 जनवरी के साथ आ भी जाएगा। इसका जो फर्स्ट सीज़न, इसके अंदर टोटल 24 एपिसोड होंगे। तो इसके अंदर अगर मैं ज़्यादा बात ना करूँ तो ये साइंस को लेकर बहुत क्यूरियस कर देता है। मैं खुद साइंस में इतना इंटरेस्ट तो नहीं लेता, बट जब मैंने इस एनिमे को देखा था मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट आया था एंड मैंने साइंस की स्ट्रीम चुन ली थी। तो 24 hours later भाई सुन, तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट को ज्योग्राफी सब्जेक्ट में चेंज करने का फॉर्म इधर ही मिलता है ना? हाँ इधर ही। थैंक यू यार। तो अब तक मैंने जितनी भी बातें की थी मैंने शॉर्ट और डायरेक्ट में की थी, बट इस एनिमे के मेरे साइंस को लेके एक्सप्लेन करना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। भले मैं फर्स्ट एपिसोड की बात करूँ, क्या फर्स्ट से लेके 24 एपिसोड तक, तो ये क्यूरियस डालता है एकदम साइंस में, तुम्हें मतलब मन लग जाए कि हाँ साइंस कितनी मज़ेदार चीज़ होती है। इस एनिमे के अंदर जो बताया गया, भले वो चूना हो, जिसको वो चूना आई मीन लाइम, क्या फिर तुम बात करो ग्लास की, क्या फिर तुम बात करो उन मेटल की जिनको तुम मिनरल्स में से निकालते हो, क्या फिर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, क्या फिर अल्कोहल की बात करें, क्या फिर मैं बात करूँ वाटर पावर स्टेशन आई मीन जो हेडल मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, क्या फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ जो मेरा फेवरेट एपिसोड था एपिसोड 9, क्या फिर मैं बात करूँ ग्लास, क्या फिर हम बात करें सेल्फ, मतलब हर एक चीज़ जिनकी हमें ज़रूरत होती है उसको सेंकू जो लाता है अपने साइंस को मज़ा आ जाए। ये सीरीज़ के अंदर सबसे अच्छी बात यही मुझे लगी कि यार एक्सप्लेनेशन के साथ इन चीज़ों को वो करता है। और ये इस सीरीज़ का जो मेन मोटिव, इसलिए इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है क्योंकि ये साइंस को लेके चलता है और एनिमे ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो बस इसको ज़रूर देखना और इसका सीज़न 2 भी आ जाएगा 2021 में।